जय गुरु। आज का आलोचना का टॉपिक है आर्तनाद। चलिए सुनते हैं। एक दिन रात प्राय 10 बजा था। शिष्य ठाकुर के सानिध्य एक विषय पर गहरी चर्चा हो रही थी। भक्तगण उस चर्चा में तन्मय थे। अचानक ठाकुर बंगला के पूर्व दिशा की ओर से एक कुत्ते की आवाज सुनाई थी। साधारण आवाज नहीं थी, आवाज में थोड़ा आर्तनाद था, लेकिन उस और किसी का ध्यान नहीं गया। कुत्ता भोगता ही है, अभी भी भोग रहा था। इसमें इतना चिंतन करने की क्या बात है, परंतु इस आर्तनाद से परम दर्दी का अंतकरण कांप उठा था। वे व्यग्र होकर बोले, कुत्ता इस तरह से क्यों आर्तनाद कर रहा है, क्या हुआ है, देखो तो जाके। एक व्यक्ति दौड़ते हुए गया एवं जानकारी लेकर आया है और कहा कि कुत्ता रास्ते के किनारे सिकुड़ कर सोया हुआ है और बीच बीच में छटपट करके उठता है और आर्तनाद कर रहा है। कुत्ते की दर्द भरी आवाज से परम प्रेम में श्री ठाकुर जी की अनुभूति तंत्र को आघात पहुंचा था। वे चुपचाप चिंतन कर रहे हैं। प्रभु की इसी अवस्था को देखकर सभी मौन हुए। इधर रात के भोग का समय हो चला है, परंतु सभी को पता है कि इस पशु की यंत्रणा का निरामय हुए बिना शशि ठाकुर उठेंगे नहीं। कुछ कहना भी व्यर्थ है। थोड़ी देर बाद शशि ठाकुर ने कहा कि एक काम करो, कुत्ते के पूरे शरीर को पानी से अच्छी तरह से भिंगा दो। अद्भुत प्रेस्क्रिप्शन है। तुरंत कई लोग दौड़ कर गए। कुआं से बाल्टी में पानी भरकर कुत्ते के शरीर पर डालना आरंभ किए हैं। कई बाल्टी डालने के बाद कुत्ते की छटपटाहट कम हो गई। धीरे धीरे यह शांत हो गया। समझ में आया उसकी यंत्रणा कम हो गई है। थोड़ी देर बाद देखा गया कुत्ता चुपचाप सोने की कोशिश कर रहा है। भक्तगण श्री ठाकुर के पास आकर पूरी घटना विस्तार पूर्वक बतलाए। रात के 11 से ज़्यादा बज गया था। सब कुछ सुनकर स्वस्ति का निश्वास लेकर श्री ठाकुर हाथ मुंह धोने उठे और भोग ग्रहण करेंगे। आज का आलोचना टॉपिक यहीं खत्म होता है। जय गुरु।